आपको कैसी लग रही है और कौन सी गाड़ी लग रही है ये बताइए मुझे सबसे पहले। इधर आइए मेरे साथ। अगर हम इस गाड़ी को देखते हैं तो काफी ज्यादा हमें रिजेंबल करती है हमारी टोयोटा इनोवा के साथ। ये लाइट्स वगैरह आप देखेंगे, बैक वाला पार्ट देखेंगे तो बिल्कुल हमें इनोवा लग रही है, मिनी इनोवा हम इस कार को कह सकते हैं। इस कार का नाम है काल्या। काल्या एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है परफेक्ट, और ये गाड़ी काफी सेंसेस में काफी परफेक्ट है। तो डिस्कस करते हैं इस गाड़ी के बारे में, क्या क्या इस कार में हमें ऑफर किया जाता है। सबसे पहले बैक प्रोफाइल को छोड़ते हैं क्योंकि वो तो हमारा इनोवा जैसा ही है, साइड से बात करते हैं। साइड में मूव करते हैं, अगर बैक से मैं आगे की तरफ जाती हूँ तो मुझे यहाँ पे 36 लीटर का फ्यूल टैंक दिखाई देता है। 14 इंच के अलॉयज आपको मिलते हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट लग रहे हैं जो छोटे से टायर यहाँ पे लगे हुए हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल आपको मिलता है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप जो यूजुअली हमारे हाथ लग लग के नेल्स के निशान ये सब पड़ जाते हैं, उस चीज़ का ध्यान रख के एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस के लिए एक मटेरियल का यूज़ किया गया है, और ये आपका प्लास्टिक का यहाँ पर यूज़ किया गया है। कार के डायमेंशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर इस कार की जो लेंथ है दैट इज़ 4.1 मीटर, इस कार की जो हाइट है वो आपकी 1.6 मीटर है, और कार की जो ब्रेड्थ है वो भी आपकी 1.6 मीटर है। व्हील बेस की अगर हम लोग बात करेंगे इट इज़ 2525 mm, और जो हमारी ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है 185 mm की। तो स्पेक्स वाइज तो गाड़ी आपकी काफ़ी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। और यहाँ पर मेंशन करूँगी मैं कि इस कार के अंदर बहुत बेसिक चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि इस गाड़ी का जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा बेसिक रखा गया है। बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ियों में ये नहीं आती है, अराउंड 8 लाख रुपये देकर आप इस कार के मालिक बन सकते हैं। और 8 लाख रुपये देके टोयोटा आपको 7 सीटर व्हीकल दे रहा है, तो यहाँ से आप आइडिया लगा लीजिए कि बहुत ज़्यादा बेसिक कार होने वाली है, फीचर्स तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम होंगे, लेकिन येस नो डाउट ये गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाली है। ORVM की डिज़ाइनिंग आपको ऐसे मिलती है, और ये है आपका टर्न इंडिकेटर जहाँ पे बल्ब को प्लेस किया गया है, ये LED नहीं है, ये बल्ब है सिंपल। फ्रंट डिजाइनिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत ब्रॉड आपको डार्क क्रोम स्लिट मिल जाती है। हेडलैम्प्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको LED हेडलैम्प मिलेंगे, और आपका जो टर्न इंडिकेटर है उसके लिए नॉर्मल बल्ब का यूज़ किया गया है। इनफैक्ट जो हमारा फॉग लैम्प है उसमें भी आपको नॉर्मल बल्ब का यूज़ किया गया है, लेकिन जो डिज़ाइनिंग है ये पैटर्न जो यूज़ किए गए हैं ये आपको काफ़ी अपीलिंग लगेंगे। ग्रिल जो हमारी है वो काफ़ी स्टाइलिश बनाई गई है, ये ब्लैक पियानो फिनिश के साथ आपको छोटे छोटे स्लिट्स ऐड किए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस आपको लगने वाले हैं, और गाड़ी फ्रंट से आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लैशी लगेगी, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। अब यार सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं, वो है इस कार का बैक प्रोफाइल। सबसे ऊपर हमें शार्क फिन एंटीना दिया गया है, डिफॉगर नहीं है, यहाँ पर वाइपर आपको मिल जाता है। ये जो इसका टेल लैम्प है ये बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगने वाला है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये आपका डेड पार्ट है, यहाँ पर कोई लाइट नहीं है। बल्ब आपको मिलते हैं इसके अंदर ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, और ये जो डिज़ाइनिंग है ये आपको काफ़ी इंस्पायर्ड लगेगी इनोवा क्रिस्टा से। ब्रॉड आपको डार्क क्रोम मिलता है यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा क्लासी लग रहा है। टोयोटा की बैजिंग आपके पास है, बाकी यहाँ पर इस कार का नाम लिखा गया है जो है कालिया, जिसका मतलब होता है परफेक्ट, और ये है इसका जी वेरियंट जो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। कैमरा आपको यहाँ पर दिया गया, और नीचे के साइड में आपके पार्किंग सेंसर्स हैं। बूट स्पेस की अगर हम लोग बात करें तो देखिए पहले तो बूट की जो ओपनिंग है वो आपकी मैनुअल है, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, ठीक ठाक साइज़ का अराउंड 100 लीटर्स हम बोल सकते हैं बूट स्पेस हमें मिल जाता है, और अगर आप इसके सीट्स को डाउन कर देंगे तो आप काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। इस कार के लिए अगर हम लोग देखें यहाँ से तो आपको दिखाई दे रहा है कि लास्ट रो में स्पेस इतना नहीं है, बच्चे ही बैठ सकते हैं, इनफैक्ट बच्चों के ही पैर फंस जाएंगे यहाँ पर। बेटर यही है कि आप इसको डाउन कीजिए और अपने बूट स्पेस को इनक्रीज़ कीजिए। स्पेयर व्हील की अगर हम लोग बात करेंगे तो कालिया के अंदर जो स्पेयर व्हील है वो आपका कार के नीचे प्लेस किया गया है, फुल साइज टायर है एंड इट इज़ विद अलॉयज। अब देखिए इस गाड़ी का प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका इंटीरियर है वो भी काफ़ी बेसिक बनाया गया है। आपको ये छोटू सा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है यहाँ पर, और यहीं पर आपके पास USB पोर्ट का ऑप्शन मिलता है। Apple CarPlay, Android Auto आपको नहीं मिलेंगे, Bluetooth कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। AC वेंट्स की डिज़ाइनिंग बहुत यूनिक और डिफरेंट आपको लगने वाली, यूनिक इसलिए बोला मैंने, कहीं आपको वो सर्कल की फॉर्म में मिल रहा है वेंट, कहीं आपको इस तरीके से वेंट की शेप दी गई है, कहीं इसकी शेप रेक्टेंगुलर हो जाएगी और साइड में फिर से उसको सर्कल की शेप में दिया गया है। तो मतलब यूजुअली हमें आदत है कि जो AC वेंट्स की डिज़ाइनिंग है वो सिमेट्री मेंटेन की जाती है, यहाँ पर इस पर ज़्यादा कोई ध्यान दिया नहीं गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आप देखेंगे तो ये भी आपका पुराने स्टाइल का ही है, फुल ऑन एनालॉग मीटर आपको मिलते हैं यहाँ पर। डिजिटल रीडिंग के लिए आपको ये छोटा सा स्क्रीन दिया गया है जो आपका ओडोमीटर और आपका ट्रिप शो करेगा। स्टेयरिंग की हम लोग बात करेंगे तो इट इज़ नॉट लेदर रैप्ड, नॉर्मल स्टेयरिंग हमारे पास है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल दिए गए हैं और यहाँ से आप अपना ट्रैक चेंज करेंगे, यहाँ से आप अपने मोड्स को चेंज कर सकते हैं इंफोटेनमेंट के।
और ये गाड़ी आपकी की से ऑपरेट होगी, यहाँ पे कोई पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, और की को आप इंसर्ट करेंगे इस साइड पे। नीचे के साइड आप मूव करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये अगेन बहुत रेट्रो फील के साथ बहुत बेसिक सा आपको एसी यूनिट दिया गया है। यहाँ से आप अपना हीटिंग कूलिंग को सेट करेंगे, यहाँ से आप अपने ब्लोअर की स्पीड को सेट करेंगे। ये आपका कार में इनर एयर और आउटर एयर के लिए ऑप्शन दिया गया है। गियर लीवर आपका यहाँ पर प्लेस किया गया है, जो ऐसा लगेगा आपको कि प्लेन उड़ाने वाले हो, उसकी पोजीशन में आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ आपके पास पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, D4 पे अगर आपने कार को सेट कर दिया तो यहाँ गाड़ी आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी, और ये आपका 4-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। नीचे के साइड में अगर आपको मैनुअल चलाना है तो आप 3 और 2 गियर के बीच में कार को मूव करेंगे। टोटल डैशबोर्ड लेआउट की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए यहाँ पे प्लास्टिक का ही यूज़ आपको दिखाई देगा, क्योंकि पैसे इतने ज़्यादा लिए नहीं जा रहे तो क्यों आपको लेदर वगैरह या वुड फिनिश वगैरह दी जाए, लेकिन प्राइस को फुल ऑन गाड़ी जस्टिफाई करती है। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का यहाँ पर यूज़ किया गया है। यहाँ पर भी कंपनी को हम अप्रिशिएट करेंगे कि काफ़ी ट्राई किया गया है। जैसे आप देखेंगे कि ये पैटर्न आपका अलग है, ये थोड़ा सा पैटर्न अलग कर दिया गया है, यहाँ पर सिल्वर का थोड़ा यूज़ किया गया है, गियर की जो प्लेसमेंट है उसको थोड़ा डिफरेंट बनाया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी अपीलिंग लगे, थोड़ी स्मार्ट लगे। क्रोम का यूज़ भी आपको दिखाई देगा, जैसे आप एसी वेंट्स देखेंगे साइड में, वहाँ पर क्रोम का यूज़ है, यहाँ पर भी क्रोम का यूज़ किया गया है। डोर हैंडल्स में यहाँ पर क्रोम का यूज़ है, और डिज़ाइनिंग बहुत बेसिक, सिंपल और जस्टिफाइड टू प्राइस आपको लगने वाली है। विंडो कंट्रोल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो चारों यहाँ पे आपके पास पावर विंडो दी गई हैं, और जो ORVM कंट्रोल्स है उसकी सेटिंग आपको मिलेगी यहाँ पर। स्टोरेज की अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा खाली जगह हो जाती है, क्योंकि गियर लीवर वगैरह की प्लेसमेंट सब आपकी यहाँ शिफ्ट हो गई है। ये हमारा हैंड ब्रेक है, छोटा सा स्टोरेज आपको यहाँ दिया गया है, छोटा सा स्टोरेज उसके नीचे भी आपको दिया गया है। यहाँ थोड़ा सा कुशनिंग का यूज़ किया गया है। जो हमारी सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, अगेन मेंशन करेंगे बहुत कुशनी आपको लगने वाली है, बहुत अच्छे फैब्रिक का यहाँ पर यूज़ किया गया है, बिल्कुल आपको बॉडी को कोई इचिंग या डिस्टर्ब सा नहीं करता। और जो आपका हैंड रेस्ट है इसके अंदर भी बहुत अच्छी खासी कुशनिंग का यूज़ किया गया है, और ये आपका इस तरीके से मूव हो जाता है, और उसके बाद आपकी ये सीट बन जाती है, जो मैंने बोला मुझे नहीं पता इसको कैसे यूज़ किया जाएगा, और उसके लिए बैक सपोर्ट है, ये छोटा सा, बहुत छोटा और पतला बच्चा होना चाहिए तो वो इसके ऊपर आएगा। बाकी सीट्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छी खासी कुशनिंग यहाँ पर भी यूज़ की गई है, फैब्रिक का यहाँ पर यूज़ किया गया है, सीट्स पे बैठ के बहुत अच्छा खासा आप कंफर्ट फील करते हैं। ऊपर की साइड हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका ये एयर इनटेक के लिए, यहाँ से आपका एसी से ये हवा को कैच करेगा और दूसरी साइड पर रिलीज़ कर देगा, ताकि रियर पैसेंजर के लिए भी काफ़ी अच्छी खासी कूलिंग हो जाए। ये भी आपका नॉर्मल IRVM दिया गया है, सिंपल बेसिक आपको लाइट मिल जाती है यहाँ पे। और देखिए अगर आप देखेंगे ना इस कार को एक नॉर्मल तरीके से देखें तो बहुत प्रैक्टिकल सी मुझे कार लगी, नो नॉनसेंस फीचर वाली कार है, जो बेसिक एक फैमिली को चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है हमें, वो सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती हैं। कुछ चीज़ें मुझे मिसिंग लगी, जैसे मैं बोलती हूँ एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो की आजकल हमें आदत है, वो चीज़ यहाँ पे मिस हो जाती है, तो अगर कुछ चीज़ें हटाई गई है ना तो उनके पैसे भी उतने ही कम हो गए हैं दोस्त। तो अगर हम लोग बोले कि बेसिक सी कार और ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी कर दे जो हमारे प्रैक्टिकल लगे, हमारे पॉकेट को फ्रेंडली लगे, तो उस हिसाब से दिस कार इज़ रियली गुड। अब बात करते हैं रियर सेटिंग की, यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील होने वाला है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कैबिन आपको लगेगा। ऊपर के साइड में फुल ऑन फैब्रिक का यूज़ किया गया है, यहाँ पर सेंटर में हमें ब्लोअर स्पीड एडजस्टमेंट के लिए दिया गया है, ऊपर ये आपको AC वेंट्स के लिए दिया गया है। नीचे के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। इस कार में पीछे की साइड में 3 जने यहाँ पर बैठ के आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि कोई हैंड रेस्ट वगैरह नहीं है कि उसमें कप होल्डर है, उसकी वजह से क्या होता है ना गाड़ी का जो बैक है बहुत हार्ड हो जाता है। अब यहाँ पर आप बहुत आराम से बैठ के 2 जने आगे और 3 जने पीछे अपने मस्त अच्छे खासे लंबे ट्रिप को इंजॉय करेंगे, और जो बैक है वो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल एंड कुशनी है। अब देखिए इसका कंफर्ट देख के तो मुझे बिल्कुल इनोवा की याद आ गई, कि जितना कंफर्ट आपको उस कार के अंदर फील होता है ना, बिल्कुल वही कंफर्टेबल राइड एंजॉय कराने वाली है आपको ये वाली कार भी, और वो तो काफ़ी महंगी आती है, लेकिन उसके कंपेरेटिवली इसका प्राइस काफ़ी कम हो जाता है। फीचर्स उसमें भी हमें कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं मिलते, तो यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं, लेकिन वही अगेन मेंशन करना पड़ेगा कि प्राइस इतना ज़्यादा कम है कि आपको उन चीज़ों की दिक्कत होने ही नहीं वाली है, क्योंकि जब हमारी पॉकेट खुश हो जाती है ना तो हमारा दिल भी खुश हो जाता है। डोर एक बार देख लीजिए, ये मिस हो गया था मुझसे। डोर के अंदर आपको सिल्वर का यूज़ दिखाई देगा, बॉटल होल्डर आप यहाँ पे रख सकते हैं, छोटा सा स्टोरेज आपको पीछे दिया गया है, पावर विंडो कंट्रोल है, और नीचे के साइड में यहाँ पे स्पीकर आपको मिलता है।
यहाँ पर आपको लास्ट रो के अंदर भी सिटिंग ऑप्शन दिया गया है, लेकिन जो ये सिटिंग है ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको नहीं लगेगी, क्योंकि जो गाड़ी की लेंथ है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इट इज़ जस्ट 4.1 मीटर लॉन्ग, तो उसकी वजह से यहाँ पर बच्चे ही बैठ पाएंगे, बड़े यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। इनफैक्ट मैं तो जाने का ट्राई भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको पीछे जाना है तो आपके पास एक्सेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ये मुझे लगता है टोयोटा की हर कार के अंदर बहुत प्रैक्टिकल तरीके से गाड़ियों को बनाता है। ये जाने का रास्ता बहुत है दोस्त, लेकिन फिर बैठने की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो आप देख लीजिए, अभी मैं अगर यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरे पास बिल्कुल कंफर्टेबल नी रूम हेड रूम है, लेकिन अगर मैंने अपनी सीट को आगे किया तो मेरे को फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी और पीछे वाले को तब भी इतना स्पेस नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि दिस व्हीकल इज़ 5 सीटर। पीछे की सीट्स को आप यूज़ कीजिए सीट्स को डाउन करके बूट स्पेस बनाने के लिए। इंजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का यूज़ किया गया है। ये गाड़ी आपको सिर्फ पेट्रोल में मिलती है। यहाँ पर जो आपको पावर मिलती है दैट इज 87 BHP, और जो आपको टॉर्क मिलेगा दैट इज 108 न्यूटन मीटर का। तो बहुत बड़े बड़े स्पेक्स नहीं है, गाड़ी के साइज के हिसाब से दीज आर ओके। तो दोस्त यहाँ पर अगर हम लोग प्राइस से गाड़ी को कंपेयर करें तो काफ़ी प्रैक्टिकल लगी मुझे कार। 7 सीटर व्हीकल हमें मिल रहा है तो उसके हिसाब से ज़्यादा फीचर्स की हमें उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए थी। इस कार को डिफाइन करने के लिए सिंपल दो वर्ड हमारे पास हैं, वो है प्रैक्टिकल एंड अफोर्डेबल। ज़्यादा ज़्यादा एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर जो बैज आपको दिखाई दे रहा है, बैक में हमारे पास टोयोटा की बैजिंग है, फ्रंट में हमारे पास दाईहात्सु की बैजिंग है। इसका मतलब ये रीबैज करके प्रोडक्ट बनाया गया है, एंड बिलीव मी अच्छा प्रोडक्ट बनाया गया है। ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जो कम पैसे में आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं।